हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो हम लोग सेक्शन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज करने वाले हैं सेक्शन नंबर 31, जो कि बात करता है एडमिशन्स नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। सो बिफोर स्टार्टिंग, हमने एडमिशन्स पढ़े थे 17, 18, 22, 23 तक हमने एडमिशन्स पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ एडमिट करती है, है ना। आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ एडमिशन। इफेक्ट ऑफ एडमिशन एज इन जो सेक्शन नंबर 31 है आपका, वो बेसिकली इफेक्ट्स ही बता रहा है कि दे आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, राइट। यही तो बता रहा है कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है बट मे स्टॉप। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बट मे स्टॉप। सी, एडमिशन्स आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स कि वो एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई उसको रिबट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई अगर एक एडमिशन किया किसी बंदे ने, जैसे मैंने बोला, ए ने बोला कि भाई मैंने 10,000 रुपये लिए हैं बी से, ठीक है, तो वो अपने पार्ट पे एडमिशन कर रहा है और वो उसके अगेंस्ट रेलिवेंट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन्स आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब यही है कि हम सिर्फ एडमिशन से एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, बेसिकली एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए ले रहे हैं, वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। उसे चाहे तो रिबट किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या है कि पार्टी जो भी एक अपना एडमिशन कर रही है, वो ये कह सकती है कि भाई जो मैंने एडमिशन किया है वो मैंने अंडर थ्रेट किया है या फिर अंडर इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। ये सब चीज़ें कह सकती है कि हाँ भाई ये एडमिशन मैंने मिस्टेक ऑफ लॉ या मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया है। मिस्टेक ऑफ लॉ और फैक्ट की वजह से था, इस वजह से मैंने ये एडमिशन किया है, मिस्टेक और या फिर इन्फ्लुएंस में आके मैंने ये एडमिशन किया है। तो वो ये पार्टी इस चीज़ के एविडेंसेस शो कर सकती है कि भाई जो मैंने एक एडमिशन किया है वो अंडर सम इंड्यूसमेंट है या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ और या कोई फैक्ट की वजह से एडमिशन किया गया है। लेकिन एडमिशन्स इसमें कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये तो चीज़ हमें समझ में आ गई कि भाई वो कंक्लूसिव प्रूफ क्यों नहीं है। बट हाउ दे आर ट्रीटिंग बींग मे ऑपरेट एज एस्टॉपल। तो देखिए एक बार बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं। एडमिशन्स आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड। जैसे मैंने अभी बताया कि मैटर्स जो एडमिट किए गए हैं उनका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, उसको रिबट करने के लिए अदर पार्टी भी एविडेंसेस दे सकती है और जो बंदा है वो खुद भी कर सकता है कि हाँ भाई मैंने तो अंडर इन्फ्लुएंस आके मिस्टेक ऑफ लॉ और फैक्ट में कर दिया था। बट दे मे ऑपरेट एज एस्टॉपल्स अंडर द प्रोविजन्स हियर इन आफ्टर कंटेन। यहाँ प्रोविजन्स जिनकी बात कर रहा है ना, वो प्रोविजन्स की बात कर रहा है 115, 116, 117 एविडेंस एक्ट के ही, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं आपके, ये जो सेक्शंस हैं, ये एस्टॉपल से डील करते हैं। तो अब एस्टॉपल को समझने के लिए एक बार आप लोग अपना बेयर एक्ट में सेक्शन नंबर 115 निकालिए प्लीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थॉरली नहीं करेंगे बट थोड़ा सा इसे बस लिंक करेंगे समझने के लिए कि एस्टॉपल का कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है। तो एस्टॉपल का कंसेप्ट जो है वो कहते हैं कि वेन वन पर्सन हैज, कोई भी एक पर्सन है, बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट या ओमिशन। डिक्लेरेशन मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपने किसी चीज़ का डिक्लेरेशन दिया है, कोई डॉक्यूमेंट दिया है, इस तरीके से डिक्लेरेशन कर रहा है। इंटेंशनली कॉज्ड, इंटेंशनली, द सेकेंड वर्ड इंपॉर्टेंट इज हियर इंटेंशनली, कि भाई वो जानबूझकर किया गया है किसी बंदे को कॉज करने के लिए, या उसको परमिट किया जा रहा है, परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू। बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू मतलब कि भाई एक बंदा जो एडमिशन कर रहा है वो सामने वाले व्यक्ति को ये बता रहा है कि हाँ भाई थ्रू सम एक्ट और डिक्लेरेशन और ओमिशन, कि हाँ भाई ये जो बात जो मैंने कही है, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है ये सही है, ये जो प्रॉपर्टी है मान लीजिए वो मेरी ही है। नाउ टू बी ट्रू एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ मतलब जो सामने वाली पार्टी है, जो अदर पार्टी है, उसको भी ये बिलीव होना चाहिए कि जो उसने कहा है उस बातों को यकीन करके, उसकी बातों को बिलीव करके उसने इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लिया, एक्ट अपॉन किया, ठीक है। कैसे? एक्ट अपॉन सच बिलीफ
नीदर ही नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव, ना तो वो ना उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट जो होंगे, शैल बी अलाउड है कि भाई उनको अलाउ नहीं किया जाएगा. अब किस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा? इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच अ पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग. अब ऐसे समझ के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना. चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं. बेसिकली क्या हो रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. ए के पास ये एक प्रॉपर्टी है जो कि वो कहता है इसकी है, ठीक है. वो कहता है कि ये ट्रूथ है, ये मेरी प्रॉपर्टी है. बट थोड़े दिनों बाद वो बी जो कहता है ठीक है ये प्रॉपर्टी है, ये मैं खरीदना चाहता हूँ. तो बी ये इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता है. कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ए डिनाई कर देता है कि भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो मेरे परदादा की प्रॉपर्टी है. और अब ये प्रॉपर्टी आपको देने के लिए मेरे पास टाइटल नहीं है कि भाई वो प्रॉपर्टी तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं आपको दूंगा कैसे जब वो मेरी है ही नहीं. तो ये जो एस्टॉपल का रूल है, ठीक है, यहाँ पे वो मना कर देता है कि भाई मैं नहीं दूंगा. और जो सेकंड पर्सन था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों चीज़ होनी चाहिए. जो अदर पार्टी है, जो बी है, उसने इस चीज़ पे बिलीव करके कि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी है, उसने कुछ एक्ट किया, मतलब उसने पेपर बनवा लिया या कोई एग्रीमेंट कर लिया उसके साथ, या उसने कोई भी ऐसा एक्ट किया टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर बिलीफ. भाई उसने उस चीज़ को यकीन मान के बिलीव करके कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी इसकी है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, उसकी तरफ कोई भी एक्ट किया, ठीक है, उसने एक्ट अपॉन किया, उसने अपनी पोजीशन को अल्टर किया, मतलब जो उसकी पहले पोजीशन थी वो उससे चेंज हो गया, या तो उसने उसे पैसे दे दिए, या उसने कोई एग्रीमेंट तैयार कर लिया, या कोई भी चीज़ ऐसी करी है रिलेशन टू दैट प्रॉपर्टी, ठीक है. तो अब जो ए ने कहा, बी ने कहा ठीक है मैं तेरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे बेच दे. थोड़े दिनों बाद क्या होता है, बी डिनाई कर देता है कि भाई प्रॉपर्टी तो मेरी है ही नहीं, टाइटल ही नहीं है मेरे पास, इस प्रॉपर्टी का टाइटल ही नहीं है, मतलब आई एम नॉट एंटाइटल टू सेल दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी तो मेरे परदादा की है, मेरे पास तो अभी तक आई नहीं है. नाउ अब इस कंडीशन में एस्टॉपल का जो रूल है वो इस तरीके से काम करेगा कि अब जो ये व्यक्ति है ना ए, यहाँ पे दे रखा है ना बट मे ऑपरेट एज एस्टॉपल, मे ऑपरेट मतलब मैंडेटरी नहीं है कि एस्टॉपल की तरह काम करेगा ही करेगा वो एडमिशन. वो कुछ केसेस में वेरी फ्रॉम सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस ये दिखाया जाएगा कि भाई ये ऑपरेट कर सकता है एस्टॉपल की तरह. किस तरीके से, कि अब ए जो उसने अपनी पहली बात कह दी, जो उसने एक सामने वाले बंदे को दिखाया या उसको परमिट किया या उसको इंटेंशनली कॉज किया या इंड्यूस किया किसी भी चीज़ को ट्रू मानने के लिए, और उस चीज़ को ट्रू मान के सामने वाली जो पार्टी है उसने उस चीज़ के ऊपर एक्ट अपॉन कर लिया, तब ये कंसेप्ट आएगा एस्टॉपल का कि सामने वाली पार्टी उस पर एक्ट अपॉन कर चुकी है. नाउ आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम एस्टॉपल का कंसेप्ट क्रिएट इस तरह होगा कि अब वो जो ए पार्टी है वो डिनाई नहीं कर सकती कि मेरे पास तो टाइटल ही नहीं है इसको बेचने का, या मेरे पास ऑथराइजेशन नहीं है इस चीज़ को सेल करने का, या मेरे पास जो जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं वो तो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है. वो टाइटल के ऊपर जो है ना, वो टाइटल को लेके ये मना नहीं कर सकता कि मैं कैसे दूँ, मेरे पास तो है ही नहीं. तब कोर्ट क्या करेगी, तब कोर्ट का काम होगा कि कोर्ट कहती है कि नहीं भाई अब तुम मना नहीं कर सकते, एक बार जो तुमने डिक्लेरेशन कर दिया या तुमने कोई एक्ट कर दिया, उस डिक्लेरेशन को तुमने दूसरे को बिलीव करवाया, अब तुम वांट ऑफ टाइटल के चक्कर में उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है. अब मान लो कुछ दिनों बाद उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है, ठीक है, एक को अपने एंसेस्टर्स से प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है. अब भी कहता है कि अब तेरे पास प्रॉपर्टी आ गई तो मुझे अब सेल कर दे, तो कोर्ट यही कहती है कि अब आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अब आपके पास प्रॉपर्टी है तो अब आपको सेल करनी पड़ेगी, वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है. ये कहना चाह रहा है बेसिकली एस्टॉपल का कंसेप्ट कि जब एक एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि वो उनसे सिर्फ हम एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ करा रहे हैं. वो बंदा एडमिट जो कर रहा है वो कह सकता है कि भाई मैंने इंड्यूसमेंट में किया है, ठीक है. बट कुछ केसेस में जहाँ वो बता रहा है कि इट मे ऑपरेट एज एस्टॉपल्स, कंसेप्ट यही है कि जब आपने कोई डिक्लेरेशन किया या कोई एक्ट किया या कोई ओमिशन किया, और उस चीज़ से
आपने सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाया कि जो आप कर रहे हैं, जो आपने एक्ट किया है, जो डिक्लेरेशन आपने की है, वो ट्रू है, वो सच है, और उससे सच मानकर अदर पार्टी ने उस पर एक्ट अपॉन कर लिया, तब वो चीज़ जो उसके थोड़े दिनों बाद अगर आप उसको डिनाई करते हैं, और उसके बाद आप उसको डिनाई करते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसी डिक्लेरेशन नहीं हुई थी, ऐसा एक्ट नहीं हुआ था, तो कोर्ट आपको स्टॉप करती है कि नहीं, अब आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। अब आपको वो जो जिस मैटर के चक्कर में जो बंदे ने आपको बिलीव करके आप उसके ऊपर एक्ट अपॉन किया है, वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वो कुछ कुछ केसेस में होगा, क्योंकि यहाँ पे मे का वर्ड यूज़ कर रखा है कि दैट मे ऑपरेट एज अ स्टॉपल, है ना। मे ऑपरेट एज अ स्टॉपल का मतलब यही है कि हर केस में वो स्टॉपल का काम नहीं करेगी, हर केस में वो डिनाई नहीं कर सकता। कुछ केसेस में सर्कमस्टांसेस में वेरी करके कोर्ट देखेगी, ठीक है, और तब वो कह सकते हैं कि हाँ भाई इट विल ऑपरेट एज अ स्टॉपल, अब आप डिनाई नहीं कर सकते, अब आपको ये जो एग्रीमेंट डिक्लेरेशन आपने किया है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं से सामने वाली पार्टी भी इस चीज़ का जोर डाल सकती है कि भाई इसने मुझे बोला था और अब ये मुझे वांट ऑफ टाइटल के चक्कर में मना कर रहा है, बट दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि मैं तो इस चीज़ के ऊपर एक्ट कर चुका हूँ, मेरा तो पैसा भी लग चुका है इस तरीके से, ठीक है गाइस। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर 31, जहाँ एडमिशंस हो रहे हैं, जहाँ से सिर्फ हमें एक इन्फ्रेंसेज मिल रही है, बट दे आर नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स दैट आर बीइंग एडमिटेड बाय अ पार्टी और बाय अ पर्सन। तो इस चक्कर में अब जो यहाँ पे जैसे हमने बोला कि ए जो है वो डिनाई नहीं कर सकता, इसी तरीके से क्योंकि एडमिशंस जो है हमने देखा था रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट भी करते हैं, है ना, तो अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट भी हैं ए के, तो वो भी नहीं डिनाई कर सकते। ये चीज़ जो है ये प्रोलॉन्ग करेगी, आगे बढ़ेगी इनके ऊपर भी। अगर ए के ऊपर इस चीज़ की कोई लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी इसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के पास भी कैरी ऑन होगी, ठीक है, तो वो भी डिनाई नहीं करेंगे कि हाँ भाई प्रॉपर्टी नहीं थी। तो ये एक बेसिकली एग्जाम्पल था। इसी तरीके से अगर कोई एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए वो एक सेल करना चाहता है, बट ए के पास उसका टाइटल नहीं है, या फिर मान लीजिए उसके पास टाइटल है, ठीक है, मान लीजिए अब हम एक दूसरा कंसेप्ट लेते हैं कि उसके पास एक टाइटल भी है। एक बार इसे करने से पहले ना एक बार आप लोग प्लीज़ इलस्ट्रेशन देखिए, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन दी हुई है एस्टॉपल में। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली 115 में ही है, ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देयर बाई इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट। समझ में आ गई। द लैंड आफ्टर बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ सेल ही हैड नो टाइटल, ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव द वांट ऑफ हिज टाइटल। जैसे जो अभी हमने ये वाला पढ़ा एग्जाम्पल, ये इसी से रिलेटेड है कि भाई कोई प्रॉपर्टी थी ए की जो कि उसकी नहीं थी, उसने फॉल्सली रिप्रेजेंट किया कि भाई वो जो लैंड है वो ए को बिलोंग करता है, और उसने बी को इंड्यूस किया कि तू उसे परचेज कर ले, और बी ने खरीद भी लिया। नाउ अब एक बंदे ने ए के पास जो प्रॉपर्टी है उसके पास वो से नो टाइटल है। सेकंड गाइस, ए के पास ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक लैंड है, तुम कोई भी लगा लो, एक लैंड लगा लो, कोई ज़मीन लगा लो, ये एक लैंड है ए के पास जो कि इसका नहीं है, ही हैज़ नो टाइटल, ये इसका लैंड नहीं है, बट ये बी को इंड्यूस कर रहा है कि ये लैंड उसका है, और उसको कहता है कि तू इसको परचेज कर ले, ये बहुत बढ़िया है, इसके रेट आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मॉल वॉल बनने वाला है, तो इस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। इस काइंड ऑफ तरीके से इंड्यूसमेंट दी उसको, और बी ने सोचा कि चल मैं परचेज कर लेता हूँ। नाउ वही बात कह रहा है कि आफ्टर लैंड जो है थोड़े दिनों बाद ए को लगा कि नहीं यार ये प्रॉपर्टी तो सही में अच्छी है, और वो खुद परचेज कर लेता है इसको। नाउ ही हैज़ द टाइटल, है ना, जब वो परचेज कर लेगा उस प्रॉपर्टी को तो उसके पास वो टाइटल आ गया। नाउ एट द नाउ ए सिक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड। अब जो ए है वो कहता है कि यार मैं इस सेल को ना सेट असाइड करना चाहता हूँ जो मैंने बी से कर ली है, कैट एट द टाइम ऑफ सेल ही हैड नो टाइटल। अब वो ये कहता है कि भाई मेरे पास कोई भी टाइटल नहीं है, तो मैं तेरे को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, ठीक है। अब क्या है, ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव द वांट ऑफ हिज टाइटल, मतलब कि अब कोर्ट कहेगी भाई अब तू नहीं कर सकता, अब तो तेरे पास टाइटल भी है उसका, तो वो प्रॉपर्टी तेरे को एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी, वो जो तुम्हारे बीच में डिक्लेरेशन हुई है
जो बात हुई है उसको तुम्हें फुलफिल करना पड़ेगा. दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर 31. दैट इज़ द एडमिशंस में ऑपरेट एज एस्टॉपल्स एंड नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स एडमिटेड. इसमें सेक्शन नंबर 115 के साथ 116 भी है, 17 भी है, बट उनको डिटेल में हम तब करेंगे जब हम के ऊपर पहुँचेंगे. ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग सेक्शन नंबर 115 का बेसिकली आइडिया देना था कि एस्टॉपल किस तरीके से वर्क करता है. ठीक है ना, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन तीनों वर्ड दिए गए हैं. इसके थ्रू वो किसी को इंड्यूस कर रहा है टू एक्ट अपॉन इट एंड द नेक्स्ट पर्सन बिलीव्स इट्स टू बी ट्रू एंड एक्ट अपॉन इट. दोनों ही चीज़ें कंसिडर किए जाएंगी. जैसे सामने वाले पार्टी ने कर लिया तो वो डिनाई नहीं कर सकता. ये स्टॉपल का कंसेप्ट है कि हाँ भाई इस तरीके से उसको स्टॉप किया जा सकता है. सो दिस वॉज अबाउट द सेक्शन नंबर 31. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इनकेस कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. एंड इनकेस अगर और भी कोई इशू हो और कोई आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर मैं डिटेल दूँ या आपको एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सो टिल देन वी आर डन विद सेक्शन नंबर 31. फिर अब हम नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 32. कन्फेशन हो चुका है हमारा, एडमिशन भी हो चुका है. अब हम नेक्स्ट उसमें स्टेटमेंट वेयर पर्संस कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन से हम शुरू करेंगे. सो कीप रिवाइजिंग प्लीज़. सारे जो सेक्शंस करा दिए उनको डिटेल में पढ़िए, कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कीजिए, ना समझ में आए तो बताइए. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.